غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम ठीक तो हो मेरे भाई? मैंने अपने भाई की पीठ में खंजर खोपा है, मर जाना चाहिए मुझे। आपको लगा मैं वैसीलियस को आपसे शादी करने दूंगा? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं बमसी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली। हमारे सिपाहियों के भेस में थे वो लोग जनाब, आपके कमांडर भी यही समझे कि वो निकिया से आने वाला दस्ता है और उनका शानदार इस्तकबाल किया। मेरा अब आपके सिवा कोई नहीं है हम खानम, ये कबीला ही मेरा घर है अब। हेलेना वहां से फरार हो गई थी। वो बखुशी तुर्कों के साथ चली गई। मैं माफ कर भी दूं तुम्हें तो मेरा रब मेरे बच्चे के लिए वापस भेजेगा क्या दुआन को? तुम्हारी बेटी कुनियली एतराफ कर चुकी है, तुम्हारे बनाए हुए हर मंसूबे को आश्कार कर दिया है उसने। अगर आप इजाजत दें तो यहीं रहना चाहती हूं मैं। जमींदार वैसीलियस, किले में इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ, हिम्मत हार बैठे? उसने बेच दिया मुझे, बेच दिया उसने मुझे। तुर्कों के साथ जा मिली वो, वो मेरी पुश्त में खंजर घोंप कर दुश्मन से जा मिली, मेरे सबसे बड़े दुश्मन से। वैसीलियस काबू रखो अपने गुस्से पर, दूसरे अहम मसाइल को तुम नजरअंदाज कर रहे हो। निकिया से आने वाला दस्ता, हेलेना ने यकीनन उस दस्ते के बारे में अर्तुरुल को बताया होगा। अच्छा ही हुआ वो चली गई। हाँ, मैंने दस्ते के बारे में हेलेना का कुछ नहीं बताया था। तो फिर जिस तरह किले से बात बाहर निकली तो यकीनन बादशाह के महल में भी अलाउद्दीन के जासूस मौजूद होंगे। जानता हूं राल, जानता हूं, वो हर तरफ घुस गए हैं, लानत हो उन पर। सांस लेने वाले हर गद्दार को मार देना चाहता हूं मैं, उनका खून पीना चाहता हूं, उनकी खाल खींचकर उतारना चाहता हूं मैं।
तुम्हारी इंतकाम की ख्वाहिश को पेश नजर रखते हुए उन्होंने तदबीर कर ली होगी। तुम नहीं जाओगे बल्कि इस बार मेरी बारी है। तुम्हें उनका खून मिल जाएगा और सर भी। सरदारान मेरा साथ देने को तैयार हैं। अर्तुरुल और आलियार को मुलाकात के बहाने वो सराय में मसरूफ रखेंगे। इस दौरान मैं कबीले पहुंचकर अपना मनसब संभाल लूंगा। हाँ। और फिर क्या? उसके बाद अर्तुरुल और आलियार की बारी आएगी और साथ ही हेलेना की भी। अपने कबीले का तावुन हासिल करने के बाद पहले आलियार को और फिर अर्तुरुल को खत्म कर दूंगा मैं। और हेलेना तुम्हारी अमानत है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। हेलेना को तुम मेरे पास लाओगे? सब कुछ तैयार है, लेकिन लेकिन क्या उरगल? लेकिन क्या? अगर मुझे कबीले में किसी गैर मुतवक सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो तुम्हारे सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे अपने सिपाहियों और सरदारान पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी भी तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहता मैं। सब कुछ आराम से हो जाएगा जब तक तुम्हारा ताउन मेरे साथ रहेगा। जाओ और अपना कबीला वापस ले लो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। जाओ। गुनियली खातून ने एतराफ़ कर लिया है, अजार साहब ने भी अपनी ज़बान खोल दी तो आलियार साहब हमारे सर काट के कबीले के बीच में लटका देंगे। ऐसे नहीं चलेगा। उराल भाई पर भरोसा किया हमने और अब हम यहाँ छुपकर खौफजदा बैठे हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्यों ना हम ही तमाम कर दें इस काम को। अर्तुरुल के खौफ से हम कब तक यहाँ बैठे उराल का इंतजार करते रहेंगे? अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। उराल साहब ने मक्तूब भेजा है। बताओ हमें उराल भाई ने क्या लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के इंतजार की हद खत्म हो चुकी है और अब बगावत का वक्त है। सूरज निकलते ही मेरे बाबा के औताक को और कबीले को नुकसान पहुंचाने वालों की जाने तुम पर हलाल हो जाएंगी। बगावत? क्या हम कबीले में बगावत करेंगे? उराल भाई ने कहा है कि तुर्क सरदारों के साथ जब अर्तुरुल और आलियार साहब हानली बाजार पहुंचेंगे तो हम उन सबको जहन्नम वासिल कर देंगे। हम उस वक्त पेशकदमी करेंगे जब कोई सरबरा मौजूद नहीं होगा। अगर हम नाकाम हो गए या अजार साहब ने अगर हमारे नामाश्कार कर दिए तो सूरज निकलने का इंतजार नहीं करेंगे हम और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। अजार साहब बहादुर आदमी है, हमारे नाम जाहिर करके वो बुजदिली की मौत नहीं मरेंगे। यहां बैठकर शिकायत करने के बजाय जाओ जाकर अपने हथियार तैयार करो। अपने मकसद को इतनी जल्दी फरामोश कर बैठे हो तुम। उराल भाई सही कहते हैं, यह दिन इत्तेहाद का दिन है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। उराल भाई ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो सब बिल्कुल वैसा ही होने चाहिए। जिस शख्स पर एतमाद था उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तुमने दुंदार। बेशुमार जंगें लड़ने वाला, मुश्किलात सहने वाला और अनगिनत जिम्मेदारियां पूरी करने वाला दुआन सिर्फ तुम्हारे इश्क की वजह से कुर्बान हो गया। भाई मेरे साथ आप जो भी करेंगे वो बरहक है,
काश आप मुझे किले में ही छोड़ देते, मौत ही मेरी सजा है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ। तुम मेरे छोटे भाई हो दुंदार, कैसे वहां छोड़ देता तुम्हें? एक खता दूसरी खता का इजाला नहीं होती। तुम्हें सजा तुम्हारा जमीर देगा। तुम इस मुहिम के मकसद और अहमियत को समझ ही नहीं पाए। सरदारी का बोझ उठाने के लिए तुम तैयार ही नहीं थे। हमारा दुश्मन जिस दर्द को देने में नाकाम रहा, वो दर्द दिया तुमने हमें। बस कर दो, बस। तुम दोनों को इस हालत में देखने की मुतहमिल नहीं हो सकती मैं। इस गम ने हम सबको जलाकर राख कर दिया है। बस अब बहुत हो गया। भाई सही कह रहे हैं वालिद, मैं कबीले की सरदारी के लायक ही नहीं। फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मैंने। कोई उजर नहीं है मेरे पास आज से कोई इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास। हमारा रास्ता कमजोरों का नहीं, सिर्फ बहादुरों का है। तुम भाई हो मेरे, लेकिन आज से तुम ना तो सरदार हो इस कबीले के, और ना ही सिपाही। बच्चों के जरिए मेरा इम्तिहान मत ले, मेरी मदद फरमा। एक मजबूर मां तेरी बारगाह में गुजारिश करती है, मदद फरमा। वालिदा थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। तुरगुत भाई, भाई जब भी मैं खाने को देखता हूं तो आंख की याद आती है। भुना हुआ गोश्त देखकर? हाँ भाई, भुना गोश्त देखकर। जब भी मैं भुना गोश्त देखता हूं तो आंख और हमारा भेड़ उठाने का मुकाबला याद आ जाता है। मैं जी
मैं जीत गया। अरे नहीं भाई, पहले मैं पहुंचा था। लकीर पहले मैंने पार की है। बेईमानी कर रहे हो तुम लोग, मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। मैं जीत गया। कितनी बेबाकी से कहा था कि मैं जीता हूं भाई। उसको हमेशा लगता था कि हर मुकाबला वही जीतेगा। दुआन भाई बहुत बहादुर और बहुत शरारती था। अगर हम ऐसा कहते तो वो कुछ भी कहने से ना चूकता, लेकिन बानो जैक से जिस तरह इजहार मोहब्बत किया उसने, उस रात वो आग के पास बैठा, उसके ख्यालों में गुम था, और इतना गुम कि मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ था उसे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछा, अरे भाई क्या सोच रहे हो तुम? बानो जैक से मुझे शादी की बात करनी है। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं मैं। इसमें क्या मुश्किल है? मैं बताता हूं भाई, मेरा ये दिल तुम्हारी दीद के इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। ठीक है, कोशिश करता हूं। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता रहता है हर वक्त। और फिर उसके बाद? इसके बाद क्या करना है बताता हूं। इसके बाद कहना, ये कातिल निगाहें मेरे दिल के आर पार हो जाती हैं तीर की तरह। तुम्हारे हुस्न के समंदर में मैं पूरा डूब चुका हूं ऐ हसीन परी। अब मेरा निकलना हरगिज मुमकिन नहीं। लेकिन भाई तुम ये सब कैसे जानते हो? इल्म मेरे भाई, साहिब इल्म से सवाल नहीं करते। मेरा ये दिल तुम्हारे इंतजार में धड़कता। फिर उसने बानो जिजैक से शादी की दरख्वास्त की। जिजैक खातून, आपकी दीद ने मुझे जला डाला है। जिजैक खातून, नहीं जानता कि आपकी आंखें कैसी हैं, लेकिन वो मेरे दिल के आर पार हो गई है। आपका हुस्न समंदर है और मैं उसमें डूब चुका हूं। ये आप क्या कहे जा रहे हैं दुआन साहब? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। वंसी, क्या कहूं? हक है अल्लाह, मुझे कहना नहीं आता। चिचक खातून, बानो चिचक, मुझे आप बहुत पसंद है, शादी करना चाहता हूं आपसे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं आपकी जौजा बनने के लिए दिलो जान से तैयार हूं। आज के बाद आपका खैमा महल होगा मेरे लिए, आपकी जिंदगी मेरे लिए जन्नत होगी, आपके गम मेरे गम, आपकी खुशी मेरी बहार होगी, मेरी उम्र आपको लग जाए। दुआन साहब, जब उसने कबूल किया तो दुआन जम सा गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं कोई मुजस्मा हो। और जब बानो चिचेक ने उसे थप्पड़ मारा तब जाकर उसे होश आया। ओह शुक्र है। दरअसल मैं कुछ समझा नहीं। वो मैंने आपसे शादी के लिए कहा तो आपने हाँ कहा ना? हाँ कहा मैंने। तो इसका मतलब आपने मेरी बात के जवाब में हाँ कहा, ऐसा ही है ना? बताइए चिचा खातून। हाँ दुआन साहब। तो फिर मैं भाई को जाकर सब कुछ बता देता हूँ, ताकि अर्तुरुल भाई जल्दी से जाकर तू तक इन भाई से रिश्ते की बात कर ले। हाँ ठीक है। See.
आज से हम दोनों अपने भाई दुआन की यादों को अपने परचम की तरह सरबुलंद रखेंगे। भाई, आज से हम उस परचम को काफिरों के दिलों में खंजर की तरह उतार देंगे। वादा करते हैं। हेलेना खातून, इजाजत है अंदर आने की? आ जाइए बंसी। बिस्मिल्लाह। सलाम कबूल कीजिए। हेलेना खातून, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? यही पूछने आया था मैं। बहुत शुक्रिया बंसी, सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। हाँ, सब ख्याल रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब आप हमारे इस कबीले की खातून जो हैं। खातून जो है हेलेना खातून, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बंसी। हेलेना खातून, अब तो आप मुझे बखूबी जान गई हैं। ये लोग मुझे पहाड़ी भालू कहते हैं, लेकिन इस पहाड़ी भालू का एक छोटा सा दिल भी है, और उस दिल में धक 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 होती रहती है। लेकिन हेलेना खातून, हंसे नहीं, ये सब कहने में पहले ही बहुत मुश्किल हो रही है। माफ कर दे बंसी, मैं इतनी खुश हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कहता हूं, हेलेना खातून, जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि आप मेरे दिल में मुकीम है। हेलेना, आप मेरे दिल में बस गई है। आपके लिए मेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा हुआ है हेलेना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस पहाड़ी भालू से शादी कर लें। मेरा मतलब है, अगर आप भी मुनासिब समझें, मेरी खातून बन जाएं। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बंसी। आपकी खुशी मेरी खुशी है। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी खातून बनने के लिए राजी हूँ। अपनी पूरी उम्र आपके साथ गुजारना चाहती हूँ बंसी। गुजारो, मेरे साथ ही जिंदगी गुजारो। हम दोनों साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। यकीन नहीं आ रहा है मुझे, आपने हाँ कहती है। हेलेना, हेलेना, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। मेरा मतलब है, जब कभी भी मैं जंग पे जाऊंगा, हम जुदा होंगे। तुम कालीन बुनना, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हमेशा मेरे दिल में रहोगी। लगता है उन तक हमारी आवाज पहुंच गई, तबल बजा रहे हैं लोग। बंसी, हाँ, हमारे लिए नहीं है ये। हाँ,
पता नहीं, खैरियत होगी इंशाल्लाह, खैरियत होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है, देखता हूँ मैं जाके। क्या हो रहा है? ये है कौन लोग? अरे मगर ये लोग किसको लेकर आ रहे हैं इस तरह से? क्यों हो रहा है? अल्लाह रहम करे। अमानत आपके हवाले करता हूं भाई, बहुत शुक्रिया अलियार साहब। घटिया औरत, मारोगी तुम? मारो जीजे। संभालो खुद को, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी हलीमा खातून, मैं देखूंगी इसे, अपनी आंखों से मरता हुआ देखूंगी इसे। गद्दार नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हमारी रिवायत, हमारा निजाम इसकी इजाजत नहीं देता। बाबा, इल्तिजा करती हूं, कुछ कीजिए। कम सर्फ मलून, मलून भाई, भाई भाई रुक जाए। जिसने गद्दार पर रहम किया उसने मजलूम पर जुल्म किया है। जहन्नुम में जाओ अलियार, तुमने अपने पापा से गद्दारी की, भाई से गद्दारी की, रिवायात से गद्दारी की, जहन्नुम में चलोगे तुम। कुफार से हालत जंग में है हम, हमारे खुलूस पर, नामूस पर, अकीदे पर और रिवायात पर हमला करने को बहुत से दुश्मन तैयार बैठे हैं। हम अपने दरमियान ऐसे किसी भी गद्दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हक जाहिर होता है हमेशा और बातिल को मिटना होता है।
दे मुझे, अपने बाबा की बातों में आ गई थी, माफ कर दे। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अगर माफ कर दिया तो इंसानियत से भी जाऊंगा। यही अंजाम होगा, अजाब कभी खत्म ना होने पे। शर फैलाने वाले को उसकी सजा जरूर मिलती है। तुमने कहा था मेरे हाथों मरने वाले हर शख्स का इल्म होगा तुम्हें। निकिया से आने वाले सिपाही मर चुके हैं। किले में मौजूद सिपाही मर चुके हैं। मैंने सबको मार डाला थियो। और अब किले पर परचम लहराने का वक्त आ गया है। सपने, इंतकाम हमारा, फतह हमारे नाम है और अजाब गद्दारों के नाम। अर्तुरुल और आलियार को मकतूब तहरीर करोगे तुम लोग, उसमें यह लिखना है कि उराल साहब हमें अपने साथ शामिल करने के लिए जाल बिछा रहे हैं। लिखना कि यह मुत्तहिद होने का वक्त है। अर्तुरुल और आलियार साहब को हम पे शुबा है कि हम आपसे मुलाकात करते हैं,
अगर उन्होंने हम पर यकीन ना किया तो क्या होगा? तो फिर उस वक्त वैसिलियस के सिपाहियों के साथ मिलकर हमारे कबीलों पर हमला करने की धमकी दी है उराल साहब ने, ये कहोगे? कहना कि बाहर का मौसम आ चुका है, हो सकता है कि हम लोगों को अपने कबीलों के साथ इन इलाकों से निकलने पर मजबूर किया जाए। वो तीन कबाइल के इन इलाकों से निकल जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम जितनी देर उन्हें हाली बाजार में मसरूफ रखोगे उतनी देर में अपना कबीला वापस ले लूंगा मैं, क्योंकि वहां मुखालफत करने वाला कोई होगा ही नहीं और हम सुकून से अपना मकसद हासिल कर लेंगे। और वैसिलियस, क्या आप अपने कबीले पहुंचकर उस काफिर के साथ तावुन जारी रखेंगे? वैसिलियस जैसे काफिर से तावुन की वजह से क्या मैंने अपने कबीले को धोखा दिया है? संभल कर बात करो। वैसिलियस तो पहले ही मेरे जाल में फंस चुका है, वो समझता है कि मैं तुम लोगों को और अपने कबीले को लेकर इस इलाके को छोड़कर चला जाऊंगा कहीं, ना हानली बाजार, ना ही सोने की कान, और ना ही कारा जयसार किले को छोड़कर कहीं जाने वाला हूं मैं। याद रखना मेरी बात। कारा जयसार का किला कहा आपने, क्या उसको फतह करना आसान होगा? मैं तो बहुत पहले ही कारा जयसार किला फतह कर चुका हूं। किले के दरवाजे मेरे लिए पूरी तरह खुले हैं। जहां तक वैसिलियस का ताल्लुक है तो बादशाह की जानिब से भेजा गया दस्ता अर्तुरुल ने खत्म कर दिया। वैसिलियस अपने ही किले में कैद हो चुका है, ना किले की हिफाजत की और ना ही लड़ने की ताकत बची है उसमें। किला हासिल करने के बाद सुल्तान की नजर में हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी और माले गनीमत और तिजारत के रास्ते भी हमारे इख्तियार में आ जाएंगे। अभी तो हमने आगाज किया है आलियार साहब, उराल का साथ देने वाले गद्दार खौफ से कांप रहे हैं। उनका अंजाम हमने उन्हें दिखा दिया है अर्तुरुल भाई, लेकिन सही कहा आपने, वो गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। अब वो हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से हमला आवर होंगे, और अब उराल को दूसरे कबाइल के साथ साथ वैसिलियस का ताबुन भी हासिल रहेगा। शर का फैलाव सिर्फ कबीले तक महदूद नहीं है आलियार साहब, सिपाही अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। कुतलूजा, फरमाइए भाई। पहरेदारों की तादाद बढ़ाओ और सबको खबर कर दो, वो गद्दार कुछ भी कर सकते हैं, कोई शख्स गफलत ना बरते। अगर कहीं से कुछ मालूम हो तो फौरन आकर तुम्हें बताएं। जैसा आपका हुक्म भाई। अपना ख्याल रखिएगा भाई। बहुत शुक्रिया आलियार साहब, अल्लाह आपका मददगार हो। अब एक काम है जो बाकी रह गया है हमारे लिए। चलो चलें। तुम्हें मकतूब मिल गया था मेरा? मिल गया था भाई। तमाम सरदार, सिपाही, सब लोग आपके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मेरे बाबा जानदार साहब से वफादारी का हक अदा कर दिया तुमने। लेकिन आजार साहब। क्या हुआ आजार साहब को? हमें अपने सिपाहियों से खबर मिली है कि उनका और उनकी बेटी का सर कलम कर दिया गया है। थेओ को भी उनके साथ ही सजा दी गई है। आजार साहब हमारे नाम जाहिर किए बगैर इज्जत की मौत मरे। आजार साहब जैसे बहादुर सरदार जब तक मेरे साथ मौजूद हैं, ना ही अर्तुरुल और ना ही कोई किला मेरी राह में रुकावट बन सकता है। मेरे कबीले में उसका और मेरे भाई का जुल्म अब खत्म हो जाएगा। अब हम माल गनीमत जमा करेंगे, पेश नजर रही ये बात।
कारा जैसार का किला फतह करने के बाद निकिया तक के रास्ते में आने वाले तमाम गांव और तमाम कस्बों को फतह करेंगे हम। तुम लोगों को बहुत माल गनीमत मिलेगा। अब कोई भी शख्स हक से महरूम नहीं रहेगा। ले लिया है तुम्हारा, रूह शाद हो तुम्हारी, सुकून में रहो हमेशा। तुम्हारी यादें हमारे दिलों में रहेंगी, तुम्हारे बच्चे का ख्याल हम रखेंगे मेरे भाई। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा ये पहाड़ी भालू। हम लोग उसके चाचा होंगे। हाँ, उसके चाचा उसे शेर की तरह परवान चढ़ाएंगे। उसके उसके पास दो तलवारें होंगी। बिल्कुल ना परेशान होना तुम। मदद करूंगा मैं तुम्हारी। तलवार मेरे हाथ में होगी और मेरे सिपाही मेरे साथ। मैंने वो बोझ हटाया है जिसका वो दरअसल हकदार ही नहीं था वालिदा, ताकि वो लोगों का खुद सामना कर सके। देखना तुम उन तुर्कों के साथ मरोगी जिस तरह मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला था। अंदरूस की दुख्तर हफ्सा को हस्बे वादा महर के एवज अपने निकाह में कबूल करते हो?